लेडी डॉक्टर की मदद करने के बहाने चार दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। रेप रेप एक और रेप घिनौना अपराध एक और पेश। रेप रेप एक और रेप घिनौना अपराध एक और पेश। रेप रेप हो रहे देश में, प्रियंका की कहानी करता हूँ पेश में। हैदराबाद की बात है, ज्यादा और घूमे इंसानी पेश में। मेरे फेवर में आया बदलाव तेरे देवर में, गंदी नजरे डालता है नजर उसकी तेरे जेवर में। फेवर में प्रियंका के कौन है, घटना सुन के सब हुए मौन है। पता सरकार को लगा तब जब न्यूज शेयर हुई फोन में। लोन पे स्कूटी ली थी, अस्पताल से छुट्टी ली थी, पंचर बनाना तो बहाना था, भूख उन्हें तेरे तन की थी। सोच गलत इन लोगों की, ये बात उसने महसूस की, बुरी तरह वो डर गई, फिर बड़ी बहन को कॉल की। बात हुई फिर फोन पे ही, कुछ लोग ले जा रहे कहीं नजदीकी टोल बूथ में जा। कहा बहन पहुंची मैं वही पहुंची, जब तक बहन वहाँ घबरा गई, बहन गई कहाँ, थोड़ी दूर स्कूटी खड़ी थी, टायर पंचर हुआ जहाँ। कहाँ ले गए बहन को मेरी, आने में हुई थोड़ी देरी, फोन ऑफ आ रहा है, फिकर बहन की सोच के लिए। कहाँ से दम उनमें आया, सुनसान जगह में लड़की को लाया, सामूहिक बलात्कार किया, लड़की को फिर जिंदा जलाया। पीरू सोच के बिताया सारे सोच चुके, दर्दनाक मौत उसे दी गई, जानवर ये खा गए नोच के। सोच के जी घबराता है, जला शब्द सामने आता है, उन गुनेगारों को फांसी हो, भारतीय ये चाहता है। मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन बलात्कारियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाओ। चार दरिंदों ने एक लड़की का रेप किया, फिर उसे आग के मुंह में धकेल लिया, अब जनता ये चाहती है उन चारों को सबके सामने जिंदा जलाओ।